हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, ये एक्सरे कोर्स की सीरीज चल रही है जिसका ये पार्ट नंबर है 24। इससे पहले अपन 23 पार्ट कवर कर चुके हैं। उसके अंदर एनोड एंगल क्या था, एनोड हील इफेक्ट क्या था, वो इस वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे। बट एनोड कैथोड कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनके प्रॉपर्टीज, वो सारी बातें अपन कवर कर चुके हैं बेसिक्स। चाहे आप बैचलर कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे मास्टर्स कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, उन सबको इन डेप्थ रख के और फिर मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया था। तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये देखिए गाइस, एनोड हील इफेक्ट क्या होता है। यहाँ सिंपल सी बात आ रही है कि इट स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इज मोर ऑन कैथोड देन एनोड। ये होता है एनोड हील इफेक्ट। क्या है गाइस, ये अपनी एक्सरे सोर्स है, यहाँ इंटेंसिटी अपने को 100% देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, और ये अपना हो गया कैथोड और ये हो गया अपना एनोड। ये याद रखना गाइस, एनोड। तो यहाँ क्या होगा गाइस, इंटेंसिटी अपने को कम देखने को मिलेगी और यहाँ इंटेंसिटी अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ बोलिए 70% है तो यहाँ अपने को 90% देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, ये है अपना एनोड हील इफेक्ट। एनोड हील इफेक्ट ये कहते हैं कि कैथोड की साइड है ना, ये जो एक्सरे है ये एक्सरे बीम ज़्यादा देखने को मिलेगी एनोड की बजाय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनोड की तरफ जो प्रोडक्शन हो रहा होगा ना, जिस टाइम ये एनोड मेटल है उसके अंदर भी कुछ एक्सरे चली जाएंगी, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इस एनोड के अंदर जाएंगे और वहाँ जाने के बाद अब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका वहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है गाइस, एनोड अब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, इसको मैंने मेरी लैंग्वेज में कवर अप किया है। ठीक है, देन कह रहा है कि और ये जो एनोड हील इफेक्ट है ये किसका बाय प्रोडक्ट है? लाइन फोकस प्रिंसिपल का। लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या करता है? इमेज शार्पनेस को मेंटेन करता है और हीट को ट्यूब से बाहर निकाल देता है। ठीक है गाइज, और उसी का ये बाय प्रोडक्ट क्या होगा? एनोड हील इफेक्ट। ठीक है गाइज, देन कह रहा है कि एक चीज देखो, अगर कैथोड की तरफ क्या है गाइज, इंटेंसिटी ज्यादा है, मीन्स एक्सरे ज्यादा है, और एनोड की तरफ क्या है, यहाँ एक्सरे कम है, तो जो थिकर पार्ट होगा उसको अपन एनोड की साइड रखेंगे। जैसे अभी बात की जाए, मेरे शोल्डर का एक्सरे करना है। ठीक है गाइज, तो शोल्डर को मैं कैथोड की तरफ कर दूंगा, यहाँ शोल्डर आ जाएगा पेशेंट का शोल्डर। ठीक है गाइज, वहीं आप पेल्विस का रीजन लेके चलते हैं, तो पेल्विस वाले रीजन में पेल्विस को अपन कैथोड की तरफ रख सकते हैं पेशेंट के। ठीक है गाइज, पेशेंट का जो पेल्विस है वो कैथोड की साइड रख देंगे, मीन जो थिकर पार्ट होगा, जो हार्डर पार्ट होगा उसको अपन कैथोड की साइड रख देंगे, क्योंकि यहाँ क्या इंटेंसिटी एक्सरे की ज़्यादा है तो अपने को इमेज वहाँ प्रॉपर देखने को मिलेगी। और इमेज शार्पनेस वगैरह कौन मेंटेन करेगा? एनोड हील इफेक्ट। देन कह रहा है कि जो एनोड हील इफेक्ट है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एनोड हील इफेक्ट। तो सबसे फर्स्ट होगा एनोड एंगल। ठीक है गाइज, जितना बड़ा एनोड एंगल होगा ना तो एनोड हील इफेक्ट उतना कम होगा, मीन्स क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनोड हील इफेक्ट के। जैसे ये एंगल है, ये एंगल अगर बड़ा हो गया गाइज तो अपने को हील इफेक्ट क्या होगा, अपने को कम देखने को मिलेगा। वही एंगल छोटा हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, हील इफेक्ट अपने को ज्यादा देखने को मिलेगा। देन कह रहा है कि एसआईडी, ये फिल्म जो फिल्म फोकल डिस्टेंस है। ठीक है गाइस, क्या होगा? एसआईडी फिल्म फोकल डिस्टेंस बोला जाएगा इसको। ठीक है गाइस, तो आपसे एक क्वेश्चन ये कि एसआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये आपके लिए हो सकता है नेटर में, बट इसको फिल्म फोकल डिस्टेंस ही बोला जाएगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसके ऊपर भी क्या डिपेंड करेगा, एनोड हील इफेक्ट क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये फील्ड ये इंक्रीज हो रहा है एरिया तो अपने को हील इफेक्ट क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। वहीं अगर ये एरिया कम हो रहा है तो हील इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। मीन्स दो फैक्टर है, एनोड हील और जो ये सोर्स का जो एरिया है, सोर्स डिस्टेंस है, वो क्या होंगे, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जो फील्ड का साइज है, मीन्स क्या होगा गाइज, ये एनोड हील इफेक्ट को क्या करेगा, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। मीन्स जो ये अगर गाइज फील्ड का साइज बड़ा है, ठीक है गाइज, अगर फील्ड का साइज बड़ा है तो अपने को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे, मीन्स अपने को एनोड हील इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। एक कैथोड की तरफ इंटेंसिटी ज्यादा और एनोड की तरफ कम, ये इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं अगर ये एरिया छोटा हो रहा है तो अपने को एनोड हील इफेक्ट भी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ क्या है गाइज, तीन फैक्टर जो एनोड हील इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं, एनोड एंगल होगा अपना, दूसरा फील्ड साइज और तीसरा एसआईडी। एसआईडी क्या होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे आके भी बता सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना गाइज, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइयो गाइज, इसके आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप गूगल पे जाकर डॉक्टर इंशाइट एकेडमी सर्च करोगे तो वहाँ आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे यूट्यूब देखने को मिलेगा, फिर सेकंड नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, थर्ड पे फिर आपको अपना इंस्टाग्राम देखने को मिलेगा, साथ में लिंक्डइन।